तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हर एक प्रोड्यूसर अपने ट्रैक्स में यूज़ करता है, अपने सॉन्ग में यूज़ करता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूज़िक का कोई भी जेनर हो, चाहे वो डब स्टेप हो, फ्यूचर बेस हो, फ्यूचर ड्रॉप हो। ये टेक्निक हर एक सॉन्ग में यूज़ होती है। देन दैट टेक्निक इज़ कॉल्ड साइड चेन कंप्रेशन। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि साइड चेन कंप्रेशन यूज़ कैसे करनी है और कहाँ पे यूज़ करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी साइड चेन कंप्रेशन के बारे में दो इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा कि साइड चेन कंप्रेशन एक ऐसा इफेक्ट देती है जैसे कि हम साउंड को डक कर रहे हो, लाइक डकिंग इफेक्ट। और दूसरा इंपॉर्टेंट, ये स्पेस बनाती है दूसरे इंस्ट्रूमेंट के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस इंस्ट्रूमेंट के लिए और कैसे। चलो एक बार स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक पहले ही अपना सेशन खोला हुआ है और सेशन मैंने खोला हुआ है और मैंने अपनी लीड को सोलो करा हुआ है। एक मेरी सॉन्ग की लीड है, मैं एक बार जनरली सुना देता हूँ। एबिल्टन का स्टॉक प्लगइन है, ऑडियो प्लगइन है, तो वो मैं इसमें ड्रैग करता हूँ। तो मैंने ड्रैग कर लिया और मैंने इसके और थोड़े पैरामीटर्स को और ओपन करा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा कि साइड चेन आ रहा है, एक तरफ लिखा हुआ EQ, एक तरफ लिखा हुआ साइड चेन। तो मुझे साइड चेन इफेक्ट करने के लिए इसको साइड चेन को अनेबल करना पड़ेगा। और साइड चेन में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें एक सोर्स चाहिए होता है, इनपुट सोर्स चाहिए इसको, जिससे साइड चेन ये जिससे कंप्रेसर काम करना स्टार्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना यहाँ पे अगर मेरा सोर्स किक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे किक ट्रिगर होगी, मेरा ये वाला कंप्रेसर उस टाइम पे इस ऑडियो को कंप्रेस करेगा एट जहाँ पे किक बजी, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, अब एक बार मैं किक और इसको सोलो करता हूँ एक बारी। होल्ड ऑन। तो मैंने किक और अपने लीड को सोलो करा, एक बार सुनते हैं क्या साउंड कर रहा है। अजीब साउंड कर रहा है, ये आगे जाके हमारे मिक्स में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मैंने सोचा कि इस कि मेरे को अपनी किक को अप फ्रंट दिखाना, तो अप फ्रंट मतलब किक को मेरे को अप फ्रंट में रखने के लिए बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा पीछे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो साइड चेन कंप्रेशन वहाँ पे भी काम आती है, ये सिर्फ डकिंग इफेक्ट नहीं देती, ये स्पेस भी क्रिएट करती है। अब मैंने साइड चेन को अनेबल करा और इनपुट सोर्स जैसे कि मैंने पहले बताया था, अब मैंने यहाँ पे इनपुट सोर्स अपना कर दिया किक को, कि जैसे किक ट्रिगर होगी, कंप्रेसर उस पॉइंट पे इस पर्टिकुलर ऑडियो को कंप्रेस करेगा। अब एक बार सुनते हैं। अब जैसा आप सुन रहे होंगे कि कंप्रेसर ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है, जैसे किक आ रही है वैसे ही कंप्रेसर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस ऑडियो को कंप्रेस कर रहा है। ये हो गया बिल्कुल हार्ड कंप्रेशन, हो गया ये बिल्कुल, ये हो गया ऑलमोस्ट 50% हो गया ना, ये जीरो कंप्रेशन हो गया। जैसे ऑडियो आ रही है वैसे जा रही है, तो के लिए भी हमारे लिए स्पेस बन गया इंस्ट्रूमेंट में और इसमें एक डकिंग इफेक्ट भी बन गया। लेकिन आपको डकिंग इफेक्ट अभी क्लियर सुनाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि मैंने किक को भी सोलो कर रखा है। अब एक बार दोबारा इसको सोलो करता हूँ, अब सिर्फ इस ऑडियो को सुनेंगे। सुपर, एंड दिस इज साइड चेन कंप्रेशन। हर एक प्रोड्यूसर आई थिंक ये टेक्निक यूज़ करता ही करता होगा और मैं आज आपको इसी टेक्निक को बताना चाह रहा था। ठीक है, तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दें या फिर हमें ईमेल करें, तो जो भी आपके डाउट्स हैं तो मैं उसको बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में।